हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो वो स्प्लेंडर प्लस BS6 की फुल सर्विसिंग के ऊपर रहने वाली है। तो गाइस, हो सकता है काफी भाई जो है खुद सर्विस ना करते हो या इतने टेक्निकल ना हो कि वो खुद सर्विस करते हो, लेकिन ये वीडियो आप जो अपने मैकेनिक को दिखा सकते हो या फिर किसी और को दिखा सकते हो जिससे भी आप सर्विसिंग करवा रहे हो। और मैं घर में सर्विस कर रहा हूँ, इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एक्चुअली गाइस, जो आप एजेंसी में जो सर्विसिंग करवाते हो इसकी, एक तो आपको वहाँ पर जो है कोई ऑप्शन नहीं मिलता इंजन ऑयल चेंज करने का। मतलब अगर आप उसमें जो है फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवा रहे हो या फिर कुछ और वाले, तो वो एजेंसी रिकमेंड नहीं करती। और एजेंसी वाले जो होते हैं वो सेम ही इंजन ऑयल डालेंगे जो उनके पास होता है। लेकिन गाइस, इसकी मैं जो है फुल वीडियो बनाना चाहता था और अपने चैनल पे डालना चाहता था। ये दो रीज़न है इसको घर पे सर्विसिंग करने के। और पूरा जो है इसका जो सर्विसिंग है वो सर्विस मैनुअल के हिसाब से रहेगा। जो कंपनी जो है थर्ड सर्विस में रिकमेंड करती है वो हम सब चीज़ें जो है करेंगे। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सबसे पहले बाइक को वॉश कर रहा हूँ। तो इसका एक रीज़न है कि जो इतने इंजन में जो है यहाँ पर मड वगैरह लगी रहती है वो अंदर ना जाए कोई नट बोल्ट खोलने के बाद, तो इसलिए मैं इस बाइक को जो है पहले वॉश कर रहा हूँ। माइक्रोफाइबर टॉवल लिया है इसको क्लीन वगैरह कुछ करने के लिए, और एक जो एयर फिल्टर लिया है। एयर फिल्टर मेरे को जेन्युइन नहीं मिला तो मैंने किसी अदर कंपनी का इसको ले लिया। उसके बाद मैंने जो है कैस्ट्रोल एक्टिव लिया है स्टार्ट स्टॉप, जो कि 10W30 है और सेम ग्रेड का आपको लेना है। और ग्रेड आपको यहाँ पर मैं चेकआउट करवा देता हूँ, APSL JSMO2 ये जो ग्रेड होता है जो कि रिकमेंड होता है बाइक के लिए, वही मैंने लिया है। देन इसके बाद गाइस, मैंने एक जो है यहाँ पर मैंने जो है चेन ल्यूब लिया है, और एक जो है मैंने थ्रोटल बॉडी और चोक क्लीनर लिया है जो कि शिबा कंपनी का है। गाइस, कुछ मैंने टूल लिए हैं। तो चलिए अभी सीधी जो है बाइक की सर्विसिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम जो है इंजन ऑयल को जो है चेंज करेंगे। तो इंजन ऑयल चेंज करने का प्रोसेस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें जो है इंजन ऑयल तो प्रॉपर है, तो अभी इसको ड्रेन करते हैं इंजन ऑयल को। तो चलिए गाइस, अभी इसका जो है इंजन ऑयल को ड्रेन करते हैं। और 17 नंबर का यहाँ पर जो है एक स्पैनर लगेगा, तो यहाँ पर जो है मैंने बुक स्पैनर लिया है। सो गाइस, आप देखते हैं थोड़ा नीचे भी गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा इंजन ऑयल निकल गया है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है 0.85 जो ml जो है और वो इंजन ऑयल आता है। और यहाँ पर मैं जो लेके आया हूँ कैस्ट्रोल एक्टिव का, ये 900 ml है, तो 50 ml ज़्यादा है इसमें। तो चाहे तो आप इसमें जो 50 ml निकाल सकते हो, अगर आप नहीं भी निकालते हो तो कोई जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए गाइस, इसको मैं अभी जो है पूरा फिल कर देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको जो है ये इसका ड्रेन प्लग लगा लेना है, और इसकी आपको जो है ये सील चेक कर लेनी है कि ये जो है इसमें कुछ कट वगैरह तो नहीं लग गया, नहीं तो क्या यहाँ से आपका इंजन ऑयल जो है लीक होने का चांसेस रहता है। गाइस, इसको आपको जो है ज़्यादा नहीं टाइट करना है, ऐसा ना हो कि आपका जो बोल्ट है वो स्ट्रिप हो जाए और देन उसके बाद आपको जो है काफ़ी लंबा चौड़ा इसका काम पड़ जाएगा। तो गाइस, इतना करने के बाद हमें जो है इसको जो है कुछ टाइम के लिए हमें जो है ऐसे इंजन को स्टार्ट छोड़ देना है। और इसकी जो टैपेट है वो चेक होगी, और टैपेट की क्लियरेंस उसको हम जो है चेक करेंगे। स्पार्क प्लग का जो है गैप चेक करेंगे कितना है, जितना रिकमेंडेड गैप है उतना ही हम रखेंगे। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद हमें ये भी पता चलेगा कि गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, मतलब कैसे चल रही है बाइक। और इसका स्पार्क प्लग है, अभी इसको खोल के देखते हैं। देख सकते हो ये एक्चुअली, पता नहीं अभी मेरे हाथ से गिरने के बाद ही इसका जो गैप कम हुआ है या पहले से कम था। तो इसको मैं जो है गेज की मदद से मैं इसका गैप जो है उसको सेट करता हूँ। और
वैसे तो इसका जो गैप है वो वायर वाला जो फिलर गेज आता है उससे सेट करते हैं, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल था। तो इसका जो है साइज 0.63 mm है, तो 0.6 से लेके 0.7 mm के बीच जो है इसका गैप रहता है, तो मैं 0.63 इसका जो गैप है उसको सेट कर रहा हूँ इससे। तो गाइस अभी जो नेक्स्ट काम हमें करना है वो है इसकी टैबेट कवर को खोल के यहाँ से देखना है कि ऑयल आ रहा है, इंजन ऑयल आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब फ्यूल पंप वगैरह ओके होगा। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसकी जो क्लीयरेंस है, उसका जो वाल्व क्लीयरेंस है उसकी, वो उसका गैप वगैरह कैसे है, वो ठीक है। तो गाइस सेम कवर जो है एक नीचे भी रहता है, उसको मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे जस्ट यहाँ से जो है ऑयली चेक करना है कि यहाँ से आ रहा है नहीं, और इसका जो नॉइस है वो तो कुछ है नहीं है और इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो मुझे नीचे वाला खोलने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। अब इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ से इंजन ऑयल आ रहा है, इसका मतलब इसका जो फ्यूल पंप वगैरह है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलिए गाइस अभी इसको मैं वापस से लगा देता हूँ, और अगर यहाँ पर मुझे जो है इसको टाइट करना होता तो मुझे जो है पिस्टन टॉप पे लाके और इसका मुझे जो है यहाँ पर प्ले चेक करना होता है। अगर इसका प्ले रहता है तो इसको एडजस्ट करना पड़ता है, जितना भी ऊपर गैप लिखा हुआ है फिलर गेज के हिसाब से उसको जो है सेट करना पड़ता है। मेरी वीडियो आप देख सकते हो इसकी टैबेट को जो है सेट करने की, अगर आपने नहीं देखी तो। तो गाइस अभी हम आ गए हैं दूसरी साइड, तो दूसरी साइड वाला काम हमारा ख़त्म हो चुका था, और इस साइड में आपको सबसे पहले ये वाली जो प्लेट है इसको निकालना है, उसके बाद इसकी जो फ्यूल लाइन है वो चेक होगी कहीं से लीक वगैरह नहीं है, कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद इसका जो है मुझे एक्चुअली इसकी माइलेज कम मिल रही है, तो मुझे इसका जो है ये जो सेंसर है जिसमें कि आपका जो है, क्योंकि गाइस इसमें जो है टोटल 3 सेंसर रहते हैं, मैप सेंसर रहता है इसमें, देन उसके बाद IAT सेंसर रहता है और थ्रोटल पोजीशन सेंसर रहता है। तो इसको मुझे क्लीन करना है क्योंकि मुझे जो है थोड़ी माइलेज कम मिल रही है, तो अगर ये क्लीन करने वाला होगा तो इसको मैं जो है क्लीन कर लूँगा, तो इसको भी मुझे खोलना है। तो चलिए अभी इसका ये वाला कवर इसको खोलते हैं पहले। कहीं से कुछ लीकेज वगैरह तो नहीं है, और आपको चाबी ऑन करके यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा, तो यहाँ पर जो है कुछ भी ऐसा लीक वगैरह नहीं है। और अभी मुझे ये वाला सेंसर को खोलना है और इसके अंदर जो भी है उसको क्लीन करना है। सो गाइस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी वायरिंग को निकाले बिना आपको इसको खोलना है। अगर आप इसकी वायरिंग को निकाल दोगे तो क्या है कि इसका जो चेक इंजन लाइट है वो चल जाएगा। तो ये वाला जो होल है छोटा सा, इसमें जो है इसका मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, और ये वाला जो है इसका IAT सेंसर है जो कि इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, जो कि जो एयर जो इसमें एंटर होती है उसको सेंस करता है, और ये TPS सेंसर का नोब है। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। तो क्या यहाँ पर जो है क्लीन करने के लिए मैं शीबा का जो है थ्रोटल बॉडी और चोक क्लीनर को यूज़ कर रहा हूँ। इसका छोटे वाली पैकिंग भी आती है, वो भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो। सो इसको आपको हल्का सा स्प्रे करना है। और यहाँ पर जो है काफ़ी भाई जो है WD-40 का यूज़ करने लगते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमने जो है इसको लगाया और ये काफ़ी जल्दी सूख गया, और अगर मैं यहीं जो है WD-40 को अपने हाथ में स्प्रे करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हैं ये इसका जो लिक्विड है एक तो काफ़ी भारी रहता है और ये कुछ जो है रेजिड्यू छोड़ देता है, जैसे कि कुछ ऑयल वगैरह जैसे ये छोड़ जाता है। तो ये सिर्फ जनरल पर्पज़ के लिए, आपको जो है कुछ आपका बोल्ट नहीं खुल रहा उसके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेंसर को इससे क्लीन अगर आप करोगे तो काफ़ी जल्दी जो है इसमें जो है डस्ट वगैरह फिर से जमने लगेगी, और कंडीशन पहले से भी आपकी जो है बदतर हो सकती है। तो इसलिए WD-40 को आप यूज़ मत कीजिएगा सेंसर में। मैं वापस से लगा देता हूँ। एयर फिल्टर को मैं इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी माइलेज में जो है थोड़ी कमी मिल रही है। अगर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको, तो आप इसको खोलिएगा मत। तो इसको पहले मैं खोलता हूँ।
अगर आपको कुछ ड्रिवन में कुछ दिक्कत हो रही है तभी आप इसको खोलिएगा, क्योंकि इसको चेंज ही करना होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। तो मेंटेनेंस शेड्यूल में तो अभी तक ये नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर डस्ट बहुत है। यहाँ पर आप जो है इसकी कंडीशन देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं डस्ट वाले इलाके में रहता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी हालत बिल्कुल बेकार हो गई है और इसको जो है ये क्लीन नहीं होता, इसको जो है रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों का, ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, और ये कुछ इस टाइप से लग जाएगा। सो इसको अभी मैं स्क्रू को बंद कर देता हूँ, तो जितने भी स्क्रू है उनको बंद करना है, देन उसके बाद इसका जो साइड पैनल है उसको मैं लगाऊंगा। तो ये यहाँ पर जो है कुछ नॉर्मल काम रहते हैं, जैसे कि चेन की मेंटेनेंस और ब्रेक वगैरह को जो है टाइट करना, जो कि मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली भी हम जो है बाइक में करवाते हैं। तो भाई यहाँ पर बात करूँ बाइक की परफॉर्मेंस की, तो वो काफ़ी बढ़ गई है पहले से, और जितना पहले बाइक जो है लेजी चलती थी उतना नहीं अभी एक्टिव हो चुकी है। और गाइस अगर आपको इंजन ऑयल वगैरह या फिर कुछ चीज़ें जो है मैंने जो यूज़ करी है, अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको जो परचेज कर सकते हो। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।